सेल्फ केयर कितने बार टूटते हैं यार। हे गाइस, आप सभी का सेल्फ केयर ऑनलाइन यूट्यूब फैमिली में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं अपना कोई भी इंट्रोडक्शन आप लोग को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी ने अब तक सेल्फ केयर ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया है तो मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट सब्सक्राइब करो। करो, किया, बटन दबाया, नीचे में जो बटन दिया सिर्फ उसको दबाना है, हो गया डन। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब आप भी सोच रहे होगे क्या लड़की है, कभी चॉकलेट का फेस मास्क उठा के ले आती है, कभी चॉकलेट का स्क्रब बताती है, और आज मैं लेके आई हूँ पूरा का पूरा चॉकलेट फेशियल, वो भी पूरे स्टेप बाय स्टेप। किसी भी फेशियल की सबसे पहली स्टेप होती है क्लिंजिंग। अपने चेहरे को अच्छे से साफ करने के लिए मैं यहाँ पे कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ गाइस। एक कॉटन बॉल से अच्छे से आपको अपने पूरे फेस को और नेक को क्लीन कर लेना है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है उस टाइम, तो आप रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लिंजिंग के बाद हमारी दूसरी स्टेप आती है स्क्रब करने की। स्क्रब करने के लिए मैं यहाँ पे चावल का आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ ही कोकोआ लेंगे हम, रॉ मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और ऑलिव ऑयल लेंगे। किस इंग्रेडिएंट को कितनी क्वांटिटी में लेना है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। कोकोआ हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कोकोआ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं गाइस, जो प्रीमैच्योर एजिंग के सिम्टम्स को कम करेंगे आपके, साथ ही स्किन में जो ब्लड फ्लो कम हो गया है आपके उसको बढ़ाने में कोकोआ बहुत हेल्पफुल है। चावल का आटा ले रहे हैं, राइस फ्लोर बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। रॉ मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसमें नेचुरल एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ही अच्छे से आपको फेस को क्लीन अप करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा हाइड्रेट करने में। और भी कच्चे दूध के तो आप सबको बेनिफिट्स पता ही है इतने। करने के बाद हमारी तीसरी स्टेप आती है फेस को स्टीम देना। फेस को स्टीम हम इसलिए दे रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे से आपके जो पोर्स हैं जो क्लॉग्ड हो गए हैं उनको ओपन अप करेगा, हमारा फेशियल और बेहतर तरीके से काम करेगा। स्टीम देने के लिए आपको नॉर्मली एक बोल में गर्म पानी ले लेना है, इसके अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल आप डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रोजहिप ऑयल डाल रही हूँ। रोजहिप ऑयल आप डाल सकते हो, अगर आप कोई प्रीमैच्योर एजिंग की आपको तकलीफ है तो आप ये डाल लीजिए। आप इसमें लेमन ग्रास ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल जो भी है वो डाल लो, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी मत डालो, कोई दिक्कत नहीं, एक अरोमा थेरेपी का काम करेगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा एक दो बूंद एसेंशियल ऑयल ऐड किया है। 5 मिनट तक आपको अपने फेस पे अच्छी तरह से स्टीम लेना है। स्टीम लेने के बाद आप देखोगे कि आपके जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो एक ब्लैक हेड्स रिमूवर की हेल्प से मैं अपने जितने भी ब्लैक हेड्स जो निकल रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना है अपनी स्किन के साथ, बिल्कुल भी खींचातानी मत कीजिएगा, जो निकल रहे हैं उनको सॉफ्टली आप निकाल लीजिए। मसाज क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कोकोआ का, रॉ मिल्क का, और साथ ही हम इसमें हनी ऐड करेंगे। हनी जो है उसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। स्किन का जो मॉइस्चर खो गया है, ड्राई आउट हो गई है आपकी स्किन इतनी ज़्यादा, उसको रिटेन करने में हनी बहुत हेल्पफुल है। 10 से 15 मिनट मिनिमम आपको अपने फेस पे इस क्रीम से मसाज करना है। ध्यान रखिए कि इस फेस की जो क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत पतली होना चाहिए, ताकि ये ईजिली आपके फेस पे अप्लाई हो जाए, आपके ईजिली आपके हाथ चले, और ये ना बहुत ज़्यादा आपको अपनी स्किन को है ना इस तरह से खींचना ना पड़े, समथिंग लाइक दैट। जो भी आपको फेशियल स्टेप्स आती हैं उसके साथ आप अच्छे से अपने फेस पे मसाज करिए। नेक्स्ट स्टेप आती है हमारे फेस पैक की। फेस पैक बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है कोकोआ एंड एलोवेरा का। एक्चुअली गाइस क्या है ना कि हमारे इस
चॉकलेट फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो कोकोआ पाउडर है, तो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मैं इस फेशियल में यूज़ करूँ एंड पता है जो मेन हमारा जो हीरो है ना वही कहीं खो जाए, वैसा नहीं करना है। एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो ईजिली आपके घर पर मिल जाते हैं, इसलिए मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स का इस फेशियल में इस्तेमाल किया है। लास्ट स्टेप के अंदर हमको टोनर का इस्तेमाल करना है। लेट मी टेल यू व्हाई। टोनर जो है वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने जो स्टीम ली थी हमारे पोर्स जो थे वो खुल गए थे, तो पहली चीज़ कि आपके आपको अपने पोर्स को वापस से क्लोज करना है, साथ में हमारे जो सेल्स के अंदर गैप आ जाता है उसको टाइटन अप करने में टोनर आपकी मदद करेगा। और एक और चीज़ कि आप जब टैप वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो ना बार बार अपने चेहरे को धोने के लिए, तो उसके अंदर क्लोरीन और मिनरल्स भी आपके चेहरे पे जा रहे हैं, तो टोनर जो है आपको उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। इस फेशियल को करने से मेरी स्किन पहले के कंपैरिजन में बहुत साफ लग रही है मुझे, साथ ही मेरी स्किन में जो रूखापन और जो मेरी स्किन बहुत बेजान मुझे फील हो रही थी, बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन के अंदर एक हाइड्रेट हो गई है, मॉइस्चर आ गया है मेरी स्किन में एंड मेरी स्किन जो है वो स्मूथ और ग्लो कर रही है। तो ये था हमारा कंप्लीट 6 स्टेप का चॉकलेट फेशियल रूटीन जो आप महीने में 2 बार आराम से कर सकते हो। सी गाइस, अभी वैसे भी बाहर जाना इज़ नॉट एट ऑल सेफ, किसी भी सलून पार्लर में जाना बहुत 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 रिस्क है, तो घर पे ही एक अच्छा फेशियल अपने लिए प्रिपेयर करिए, आपको खुद को भी खुशी होगी और आपकी स्किन जो है वो भी एकदम जगमगाएगी ना, ग्लो करेगी, तो और ज़्यादा खुशी डबल हो जाती है। सो डू ट्राई दिस फेशियल एट होम। आज के वीडियो में बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेल्फ केयर ऑनलाइन। हैव अ नाइस डे।